अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। फोन पे फोन चैन नहीं है लोगों को। मोबाइल के बिना ही लाइफ अच्छी थी। चाय वाले? हाँ साहब। एक कटिंग। अच्छा भेजता हूँ। क्या भेज रहा हूँ? अरे आजकल के लोगों में जरा भी सब्र नहीं है, ऑन बजाया जा रहा है। क्या यार कैसा कस्टमर है, दिमाग खा गया। चाय देगा इसको? साहब आपकी चाय। साहब अरे तो स्टेरिंग पे सरक के सो गया। साहब कौन? संभल के बाहर निकालो उसे। मेयर संभल के। सीधे सीने में गोली मारी है, दाहिने तरफ। पॉकेट्स वगैरह चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। किसने मारा इसे? किसने मारा इसे? पता नहीं साहब, कौन मार गया। और कौन कौन था यहाँ उस वक्त? साहब उस वक्त तो हम दोनों ही थे और कोई नहीं था। सिर्फ तुम दोनों ही थे और कोई नहीं था? जी नहीं साहब। इसका मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि ये खून या तो तुम दोनों ने किया है या फिर तुम दोनों में से किसी ने किया है। नहीं साहब, हम क्यों खून करेंगे बोला? लूटने के मकसद से। साहब लूटना ही होता तो हम आप लोगों को फोन क्यों करते साहब? जब अभी पता चल जाएगा। सचिन दुकान अच्छी तरह से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर सर इसके पास ये पर्स मिला है, इसमें सिर्फ पैसे हैं। आईडी? नहीं सर, कोई आईडी कार्ड नहीं है। गाड़ी को अच्छी तरह से चेक करो, देखो जरूर कुछ ना कुछ तो मिलेगा। इनकी चाय की दुकान में से तो ना ही कोई गन मिली है और ना ही गोली का शेल, कुछ भी नहीं मिला। सर अब तो आपको यकीन हो गया ना सर कि हम निर्दोष हैं? अब निर्दोष हैं हम? हैं?
अपनी चाय की दुकान में सिर्फ तुम दोनों थे और तुम दोनों की आंखों के सामने एक गाड़ी थी और गाड़ी के अंदर वो आदमी और उसी वक्त उस पर गोली चली और तुम कह रहे हो कि तुमने किसी को देखा तक नहीं। कैसे हो सकता है ये? कैसे देखा नहीं तुमने किसी को? सर ये सोच के तो हम भी हैरान है कि खून किसने किया। चुपचाप यहीं पर खड़े रहो, हिलना नहीं यहाँ से। सर गोली अगर इसे सामने से लगी है तो गाड़ी का सामने का शीशा टूटा हुआ होना चाहिए था, मगर शीशा तो एकदम ठीक ठाक है। और सर उस चाय की दुकान से पैसेंजर सीट का दरवाजा नहीं दिखाई देता, हो सकता है आदमी सामने से आया हो पैसेंजर की सीट की तरफ से इसे गोली मारकर चला गया। नहीं सचिन, अगर वो आदमी पैसेंजर सीट पे बैठकर उस पर गोली चला था तो गोली उसके बाएं तरफ लगती, बाएं तरफ, मगर गोली इसे लगी है दाहिने तरफ, है ना? सर ये आदमी यहाँ ऐसे बैठा था और ये ड्राइवर सीट से उसे दाईं तरफ गोली मारना चाहता है तो उसे यहाँ पे सामने आना पड़ेगा। वही तो, अगर ऐसा होता है तो ये अपने खूनी की तरफ देखेगा। महीनों के हिसाब से वो आदमी यहाँ स्टेयरिंग पे ऐसे पड़ा था। सर ये लो दया, और एक लाश और चाकू भी। लाश भी और हथियार भी। सर इसका आईडी है, इसका नाम दिनेश है। दिनेश? सर लगता है इस पहले आदमी ने इस आदमी का खून किया और गाड़ी में डाल के उसे जंगल की तरफ ले जा रहा था ताकि वो ये लाश और चाकू दोनों को ठिकाने लगा सके, पर शायद किसी ने खूनी का ही खून कर दिया। सर कहीं दिनेश के परिवार वालों ने तो इस खूनी को नहीं मार दिया दिनेश की मौत का बदला लेने के लिए? दिनेश की मौत का बदला लेने के लिए इसको दिनेश के घर वालों ने मारा या किसी और ने मारा ये तो दिनेश के घर जाकर ही पता चलेगा। लगता है सर इस घर में कोई नहीं है, कोई दरवाजा ही नहीं खोल रहा। जी किससे मिलना है आपको? आप कौन? मैं इस घर की मालकिन हूँ। दिनेश जी की बीवी, पर वो घर पर नहीं है। आप कहीं बाहर से आ रही है? जी हाँ, दिल्ली से। पर आप लोग कौन? सीआईडी। सीआईडी? लेकिन बात क्या है? जी वो आपके पति दिनेश का खून हो गया है। दिनेश आज मुझे एयरपोर्ट पर लेने आने वाले थे पर सुबह से मेरा फोन ही नहीं उठा रहे थे। मुझे क्या पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप दिल्ली क्यों गई थी? मम्मी पापा की शादी की सालगिरह थी, उनसे मिलने गई थी। दिनेश नहीं गए आपके साथ? वो काम में बिजी थे। आप इन्हें पहचानते हैं? नहीं। इसका भी खून हो गया है। किसने किया? देखिए ये तो नहीं पता, लेकिन हमें शक है कि दिनेश का खून इसी आदमी ने किया है। क्या? इसने मेरे पति का खून किया? जिस चाकू से दिनेश की मौत हुई थी उस चाकू के ऊपर इसी आदमी की उंगलियों के निशान मिले। दिनेश इस आदमी को जानते तक नहीं थे तो ये आदमी दिनेश को क्यों मारेगा? आप कैसे कह सकती हैं कि दिनेश इसे नहीं जानते थे? क्योंकि मैं दिनेश के सारे दोस्तों, उसके आसपास वाले लोगों को पहचानती हूँ, जानती हूँ, और मैंने इस आदमी को दिनेश के साथ कभी देखा ही नहीं। ये भी तो हो सकता है कि इस आदमी को किसी ने पैसे दिए हों दिनेश को मारने के लिए। लेकिन कौन करेगा ये सब? ये तो आप हमें बताइए, ऐसा कोई है जिसके साथ दिनेश की कोई दुश्मनी हो या फिर आपको किसी पर कोई शक हो? मुझे तो सिर्फ ऋषि पे शक है। ऋषि? ये ऋषि कौन है? दिनेश का बिजनेस पार्टनर। पिछले कुछ महीनों से दिनेश और ऋषि के बीच में टेंशन चल रही थी। एक मिनट।
उस कार के मालिक का पता चल गया है? क्या नाम है उसका? ओह ठीक है, जिस कार में दिनेश की लाश मिली थी उसके मालिक का पता चल गया है, उसका नाम है होमिका। आप किसी होमिका नाम की लड़की को जानती हैं? ये नाम तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। तो फिर इस होमिका और दिनेश के बिजनेस पार्टनर ऋषि को ब्यूरो बुलाते हैं। बोलिए बोलिए ऋषि जी, बोलिए जल्दी। सर ये बात सच है कि मेरे और दिनेश के बीच कुछ टेंशन चल रही थी, पर हर बिजनेस में टेंशन होती है ना सर, इसका मतलब तो नहीं कि मैं दिनेश का खून कर दूं। वैसे किस बात को लेकर चल रही थी टेंशन? सर प्रॉफिट के बंटवारे को लेकर। दिनेश चाहता था कि उसे 50% के बदले 60% मिले, पर मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं थी। अब सर जब दोनों काम बराबर कर रहे हैं तो प्रॉफिट भी बराबर होना चाहिए ना सर। वो तो तुम जानो, लेकिन जब तुम्हें लगा कि दिनेश तुम्हारी बात मानने को तैयार नहीं, तो तुमने सोचा कि क्यों ना दिनेश को ही खत्म कर डालूं, ताकि पूरा का पूरा फायदा मुझे ही मिल जाए, है ना? क्यों? सर मुझे जितना मिलता था मैं उसमें खुश था सर, मैं उसका खून क्यों करूंगा? सर आजकल न्यूज में बहुत सुनने में आता है कि एक बिजनेस पार्टनर ने पैसों के लिए दूसरे का खून कर दिया। सुन लिया ऋषि जी? हैं? सुन लिया? अब पूछताछ के लिए जरूरत पड़ेगी तुम्हारी फिर से, तब तक के लिए जा सकते हो। जी सर। सर यह है होमिका, वो गाड़ी इन्हीं की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप है उस गाड़ी की मालकिन जिस गाड़ी में हमें दो दो लाशें मिली। सर ये बात सुनकर तो खुद मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, अब तो मुझे भी उस कार में बैठने से डर लगेगा। एक बार केस खत्म हो जाए तो आप अपनी कार बेच सकते हैं। फिलहाल ये बताइए कि इस आदमी को जानती हैं आप? कौन है ये? कौन है ये सर? मैं इसे नहीं पहचानती। नहीं पहचानती तो फिर ये आदमी आपकी गाड़ी चलाकर क्यों जा रहा था? सर कल ही मेरी कार चोरी हो गई थी, ये देखिए ये है एफआईआर की कॉपी। विनित जरा फोटो दिखाना इन्हें। ये वो दूसरा आदमी जिसकी लाश आपकी गाड़ी की डिग्गी में थी, इसे पहचानती हैं आप? सर मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। इसे भी नहीं पहचानती, चलो ठीक है। वैसे होमिका जी एक बात बताइए, आपकी गाड़ी चोरी हुई कैसे और कहां से? सर मैंने अपनी कार सर्विस के लिए दी थी, वहीं से चोरी हो गई थी। कहां दी थी गाड़ी आपकी आपने सर्विसिंग के लिए? जी आप? हाँ ये लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? मैडम मैं इतनी बार तो आपसे माफी मांग चुका हूँ और फिर भी आप सीआईडी को लेके आई, मैं आपको गाड़ी की कीमत देने के लिए तैयार हूँ ना मैडम। घबराइए नहीं, ये तो बहुत तारीफ कर रही थी आपकी। तारीफ? हाँ कह रही थी कि जितनी अच्छी धुलाई गाड़ियों की यहाँ पर होती है और कहीं नहीं होती। हाँ वो बात तो है सर। सीआईडी की गाड़ी भी थक गई है मुजरिमों के पीछे भागते भागते, उसकी भी धुलाई कर दो। हाँ? बाकी बातें गाड़ी में बैठ के करते हैं। गाड़ी में सर? हाँ डरो नहीं, कुछ नहीं होगा, चलो। भूमिका जी अब आगे बैठिए। राजू। हाँ सर। साहब लोगों की गाड़ी वॉश कर देना। ठीक है सर। आपके गैराज से इनकी कार कैसे चोरी हो गई? सर बड़ा ही शर्मनाक हादसा है, पर इससे पहले मेरे सर्विस सेंटर में कभी ऐसा नहीं हुआ। ओफो सर, पहली चीज ही तो गड़बड़ करती है, पहली चोरी, पहला जुर्म, पहला प्यार,
सर मैंने तो गाड़ियों की सुरक्षा के लिए रात को वॉचमैन भी रखा हुआ है, फिर भी ऐसा हो गया सर। अच्छा आपके इस वॉचमैन ने उस चोर का चेहरा देखा था? देखा था सर, उसने उसे रोकने की भी बहुत कोशिश की पर बेचारा रोक नहीं पाया और खुद चोट खा बैठा सर। जब कार यहाँ पे सर्विसिंग के लिए आई थी तो कार की डिक्की में किसी की लाश थी? लाश नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अरे आप लोग अभी मुझ पर शक कर रहे हैं? हम आप पे शक नहीं कर रहे हैं, हम अपना शक दूर कर रहे हैं। अच्छा आपके इस वॉचमैन ने जिसने चोर के साथ मुठभेड़ की वो कहाँ है? उसको पकड़ने के चक्कर में मेरे पाँव में चोट भी लग गई, बहुत कोशिश करने पर भी मैं कार को चोरियों से रोक नहीं पाया सर। बहुत ही बहादुर वॉचमैन है ये। वो तो लग ही रहा है। अच्छा ये सब कैसे हुआ? परसों रात की बात है, मैं 2 मिनट के लिए बाथरूम गया था और वापस आके देखता हूँ कि एक आदमी कार से छेड़छाड़ कर रहा था। ये कौन है वहाँ? ये रुक रुक, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। रुक रुक, मैं तेरे को बोल रहा हूँ हट जा, मारा जाएगा। हट! ए, रुक रुक। वो तो निकल गया सर, मगर सर उसको पकड़ते समय उसका जेब का टुकड़ा और जेब में रखा ये रेस्टोरेंट का बिल मेरे हाथ में आ गया। टैकोस रेस्टोरेंट में खाना खाया था इस चोर ने या कार की चोरी करने से पहले? क्या यही वो आदमी जिसने कार चुराई थी? हाँ सर, ये वही बदमाश है। पर इसे क्या हुआ सर? मर चुका है, खून कर दिया किसी ने इसका। खून सर? मैंने खुद नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ सर, मैंने खुद नहीं किया। हमें पता है, ये देखो इस रेस्टोरेंट के बिल में इसे 10% डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट रेस्टोरेंट में? सर दुकानों में सेल के टाइम पे डिस्काउंट सुना है मगर रेस्टोरेंट में? वो इसलिए पंकज क्योंकि शायद ये चोर इस रेस्टोरेंट में अक्सर खाना खाने जाता होगा और इसीलिए इस रेस्टोरेंट के मालिक ने अपने खास कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया है। टैकोस रेस्टोरेंट। वेलकम सर, मगर आपको वेट करना पड़ेगा, टेबल खाली नहीं सर। हम लोग यहाँ खाना खाने नहीं आए, हम लोग सीआईडी से हैं। सीआईडी? बात क्या है सर? क्या आप इस आदमी को पहचानते हैं? ये तो प्रमोद जी है। ओ, तो इस आदमी का नाम प्रमोद था? ये तो अक्सर यहाँ पे आते हैं, लेकिन बात क्या है सर? इस आदमी की मौत हो गई, किसी ने खून कर दिया इसका। क्या इनकी मौत हो गई? बहुत ही बुरा हुआ सर, परसों रात को ही हमारे यहाँ खाना खाने आए थे। क्या ये उनका परसों रात का बिल है? हाँ सर, लेकिन आपको कहाँ से मिला? ये एक लंबी कहानी है, आप ये बताइए कि परसों जब यहाँ पे खाना खाने आया था तो इसके साथ कोई और भी था? नहीं सर, वो तो हमेशा अकेले ही आते थे। उसके मुँह से आपने कभी दिनेश का नाम सुना क्या? नहीं सर, ये दिनेश कौन है? ये है दिनेश। इनकी भी मौत हो गई? हाँ, इसका भी खून हो गया है। मैंने इसे पहले कभी देखा नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये प्रमोद तो यहाँ पे हमेशा आता जाता रहता था तो उसका आता पता तो होगा तुम्हारे पास? हाँ सर, प्रमोद जी घर पे खाना मंगवाते थे। एक मिनट सर। हाँ सर ये लीजिए। प्रमोद अंबाबाड़ी? ये नहीं हो सकता, मेरे प्रमोद भैया नहीं मर सकते। कैसे हुए उनकी मौत? किसी ने गोली मार दी प्रमोद को। कितना कहती थी उनको चोरी करना छोड़ दो, शरीफ इंसान की जिंदगी गुजारो, लेकिन नहीं, मेरी बात उन्होंने नहीं मानी। और आज ये प्रमोद चोरी करता था? कहती थी मैं उनको गलत काम मत करो, छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। पर प्रमोद ने तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं भैया ने कुछ ही दिन पहले ही बोला था ये आखिरी जुर्म कर रहे, उसके बाद उनके पास ढेर सारा पैसा होगा और
फिर कभी भी उन्हें चोरी करने की नौबत नहीं पड़ेगी। क्या तुम्हें मालूम है कि प्रमोद का ये आखिरी जुर्म क्या था? खून किया है उसने। खून? नहीं, मेरा भाई खूनी नहीं हो सकता, खूनी नहीं हो सकता। इस फोटो को देखिए, यही है वो आदमी जिसका खून किया आपके भाई ने। इसे पहचानती हैं आप? नहीं। अच्छा, जरा सोच के बताना, पिछले कुछ दिनों में कोई प्रमोद से मिलने आता था जिसपे आपको शक हो? ऐसा तो भैया से मिलने कोई नहीं आता था, पर मेरे भैया को फोन पे बातें करते हुए सुना था। वो किसी ऋषि का नाम लेते थे। ऋषि? सर, ऋषि तो दिनेश का बिजनेस पार्टनर है ना, और साक्षी ने कहा था कि उसे ऋषि पर शक है। ऋषि? इस ऋषि से फिर से मिलना पड़ेगा। सर, मैं आप लोगों से सच कह रहा हूँ, मैं किसी प्रमोद को नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। झूठ, चाहे 3 बार बोलो या 100 बार, झूठ सच नहीं बनता, समझे? सर, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये तुम्हारे फोन रिकॉर्ड्स हैं, और इसमें साफ साफ लिखा है कि पिछले हफ्ते तुमने कम से कम 10 बार प्रमोद को फोन किया। अब भी कह दो कि तुम उसे नहीं जानते। ये तो मेरे ऑफिस के फोन रिकॉर्ड्स हैं। हाँ, तुम्हारे ऑफिस के फोन रिकॉर्ड्स, वही तुम्हारा ऑफिस जिसमें से सिर्फ तुम फोन कर सकते हो और कोई नहीं। नहीं सर, सर मेरे ऑफिस से कोई भी फोन कर सकता है। जरूर कोई मुझे फंसा रहा है। तुम्हारे ऑफिस के केबिन से तुम्हारे अलावा और कौन फोन कर सकता है? कौन फंसाएगा तुम्हें? ये काम जरूर जूली का हो सकता है। जूली? अभी जूली कौन? दिनेश की सेक्रेटरी। जूली दिनेश से प्यार करती थी, और दिनेश ने भी जूली से शादी करने का वादा किया था। ओ, सेक्रेटरी से प्यार। फिर अचानक दिनेश ने जूली को यह कहकर धोखा दे दिया कि वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं देगा। अच्छा, जूली का मतलब जूली ने दिनेश से बदला लेने के लिए प्रमोद से कहा कि दिनेश को मार दे, है ना? हाँ, और मेरा फोन इस्तेमाल करके मुझे फंसा दिया। बस क्या बातें हो रही है भाई? खूनियों के नामों की अंताक्षरी खेल रहे हम सड़ंगे। ऋषि, भूमिका, प्रमोद और अब जूली, है ना? अरे वाह, अच्छा है, तब तो मैं भी सही वक्त पे आ गया अपना सुर लगाने के लिए। क्यों सर, आप भी एक दो नए नाम बताने वाले हैं क्या खूनियों के? नहीं विनीत, मैं दरअसल आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूँ जिससे आपको आसानी होगी खूनी तक पहुंचने में। तो जल्दी बताना। बस, प्रमोद का घाव नीचे से ऊपर की तरफ बना हुआ है। सर मतलब गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है? हाँ, गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है और लगभग 1.5 फीट की दूरी से चली है। मगर सर, ये कैसे हो सकता है? इसका मतलब खूनी ने ड्राइवर सीट के नीचे से बैठकर गोली चलाई। 1.5 फीट की दूरी से नीचे से ऊपर की तरफ कार में ड्राइवर सीट पर बैठे हुए प्रमोद पर नीचे से ऊपर की तरफ, इसका मतलब है गन वहीं पर ड्राइवर सीट के सामने ही होनी चाहिए। गाड़ी का पुर्जा खोलो, फिर से अच्छी तरह से देखो, गन वहीं पर मिलनी चाहिए। सर, खूनी गाड़ी में नहीं था तो गन गाड़ी में कैसे हो सकती है? मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा है। पंकज, कभी कभी हम जो सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मतलब सर, गन गाड़ी में ही है? हो भी सकता है और नहीं भी। एक काम करो, गाड़ी की तलाशी लो। पंकज, जरा ड्राइवर सीट पे बैठो। प्रमोद की लाश हमें ड्राइवर सीट पे मिली थी और उसे गोली लगी थी यहां पर। अगर गोली नीचे से ऊपर की तरफ चली है
नो, कहीं ये गोली एसी के डक से तो नहीं चली? एसी में आत्मा? शड़ी एसी में आत्मा नहीं, एसी में गन। जब प्रमोद की लाश मिली थी तो गाड़ी का एसी ऑन था और शीशे खुले थे। हाँ सर। अगर एसी ऑन था तो फिर गाड़ी के शीशे खुले क्यों थे? कुछ तो गड़बड़ है, जरा बोनेट खोलो। ये क्या है? ये कौन सा वायर है? ओह, ये देखो, गन यहां पर है। क्या बात है, खूनी ने इस तार से इस ट्रिगर को अटैच किया और दूसरा छोर एसी के बटन से कनेक्ट किया। जैसे प्रमोद ने एसी का बटन ऑन किया, तार से ये ट्रिगर खिंच गया, गोली चल गई और एसी के ब्लोअर में से प्रमोद को जाके गोली लगी। और चूंकि इस गन पे ये साइलेंसर लगा है, गोली चलने की आवाज ही नहीं आई। पंकज एक काम करो, तो एसी का बटन ऑन करना। ये देखो, मतलब इसी गन से गोली चली है। सर, मैं तो हक्का बक्का रह गया हूं। कभी सपने में भी ये नहीं सोच सकता हूं कि खूनी खून करने के लिए इतनी गहरी साजिश करेगा। मगर सर, ये कार चुराई प्रमोद ने और ये कार है होमिका की। इसका मतलब एसी में गन प्रमोद के लिए नहीं है, होमिका के लिए फिट करवाई गई थी। एग्जैक्टली फ्रेडी, प्रमोद ने ये गाड़ी चुराई ताकि वो दिनेश की लाश को ठिकाने लगा सके, मगर ऐसा करके उसने होमिका के बजाय खुद अपनी जान गंवा दी। मगर होमिका की जान को खतरा है। ये काम जिस किसने भी किया है, वो होमिका को दोबारा मारने की कोशिश जरूर करेगा। होमिका को फोन करके बता देते हैं। ये होमिका फोन क्यों नहीं उठा रही है? कहीं से कुछ हो तो नहीं क्या? कमिंग कमिंग, आ रही हूँ। आप लोग यहाँ? होमिका तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है? तो फिर फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम? फोन? ओ हाँ, वो मैंने फोन साइलेंट पे रख दिया था, इसलिए सुनाई नहीं दिया। लेकिन बात क्या है? होमिका कौन है? हिमांशु, ये लोग सीआईडी से आए हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना, मेरी कार चोरी हो गई थी। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा। हेलो सर। हेलो, मैं हिमांशु, होमिका का मंगेतर। होमिका देखो, घबराना मत, मगर जो बात हम तुम्हें बताने जा रहे हैं वो जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। पर बात क्या है सर, सब ठीक है ना? हमें उस आदमी के मौत का राज पता चल गया है जिसने तुम्हारी गाड़ी चुराई थी। क्या, किसने मारा उसे? जिस गन से उस आदमी का खून हुआ है, वो गन हमें आपके गाड़ी के एसी में मिली है। क्या, गाड़ी की एसी में गन? ये कैसे मुमकिन है? ये तो सोच के मैं भी परेशान हूँ। खूनी ने एसी में इस तरह से गन फिट की थी कि जैसे ही एसी ऑन होता, गोली चल जाती और गाड़ी चलाने वाला मर जाता। इसका मतलब कि अगर गाड़ी उस दिन चोरी नहीं हुई होती और उस आदमी के बदले मैं गाड़ी चला रही होती, तो मौत मेरी होती। हाँ, आपको शक है किसी पे जो आपको मारने के लिए इस तरह की साजिश कर सकता? लेकिन मेरी तो किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं है। प्लीज सर, कुछ भी करिए, खूनी को पकड़िए प्लीज सर। भूमिका को कुछ हो गया ना तो मैं जी नहीं पाऊंगा सर, प्लीज। आप घबराइए मत, ये केस अब सीआईडी के हाथ में है, होमिका को कुछ नहीं होगा। पर सर, कार सर्विस में देने के पहले मैं हर रोज कार का एसी इस्तेमाल कर रही थी, तब गोली क्यों नहीं चली? क्योंकि आपके कार में छेड़छाड़ उस सर्विस सेंटर में ही की गई है, वहां के किसी मैकेनिक ने एसी में गन फिट की। ये है जूली। अच्छा, तो आप हैं दिनेश जी की सेक्रेटरी। सर, सेक्रेटरी होना कोई गुनाह तो नहीं है? नहीं, लेकिन बॉस का खून कर देना तो गुनाह है।
खून? मैं उनका खून क्यों करूंगी? झूठ मत बोलो। तुम दिनेश से प्यार करती थी ना, और दिनेश ने अपनी बीवी साक्षी को डिवोर्स नहीं दिया, इसलिए तुमने उसका खून कर दिया। ये झूठ है। मैं तो दिनेश से प्यार करती थी, तो फिर उसका खून क्यों करूंगी? मैं तो उनसे इतना प्रेम करती थी कि मुझे मौका मिलता तो उन्हें हटाकर खुद मौत को गले लगा लेती। वैसे आजकल इतना प्यार देखने को मिलता नहीं है, सिर्फ किस्से कहानियों में रह गया है। अच्छा, दिनेश जी भी आपसे इतना ही प्यार करते थे? हाँ, वो तो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे थे साक्षी को डाइवोर्स देने का। उसके बाद सिर्फ हम दोनों होते और हमारा सपनों का संसार। मैं तो कहती हूँ सर कि साक्षी ने ही दिनेश का खून किया है। लेकिन साक्षी क्यों मारेगी उन्हें? क्योंकि साक्षी दिनेश को धोखा दे रही थी। धोखा दे रही थी? कैसा कैसा धोखा? वो किसी और से प्यार करती थी। किससे? वो इंसान यहीं इसी कमरे में मौजूद है। ऋषि सर। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ऋषि भैया ने तुम्हारी पोल सीआईडी वालों के सामने खोल दी तो तुम इसका बदला ऐसे लोगी इनसे, इन पे झूठा इल्जाम लगाकर? मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो वही बता रही हूँ जो मुझे दिनेश ने कहा था। सर, आप इनकी बातों पे यकीन मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप खुद ही सोचिए ना, अगर मेरे और साक्षी के बीच कुछ होता तो वो दिनेश की मौत का इल्जाम मेरे सर पे क्यों डालती? ठीक है, सोचेंगे। और साक्षी तुमसे प्यार करती है या नहीं ये भी सोचेंगे। क्या एसी में गन? पर सर, एसी में गन कोई क्यों फिट करेगा? मुझे मारने के लिए? अरे वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि कार चोरी हो गई, वरना मैं आज यहाँ जिंदा नहीं होती। ओमिका की कार की सर्विसिंग किसने की थी? सर, वही लड़का राजू जिसने उस दिन आपकी कार धोई थी। राजू, जरा बुलाओ इस राजू को। पर सर, उसने तो काम पर आना ही बंद कर दिया। क्यों? पता नहीं सर, उसके घर पर ताला लगा हुआ है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। सर, ये सब इस राजू का ही किया धरा है। उसी ने गाड़ी सर्विस करते वक्त एसी में गन फिट कर दिया होगा। पंकज, यहाँ पे काम करने वाले बाकी मैकेनिक से राजू के बारे में पूछो, पता करो वो कहाँ जा सकता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, वो खूनी अब तक आजाद घूम रहा है। प्लीज सर, उसे पकड़िए, मेरी होमिका को कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए, आप घबराइए मत, होमिका को कुछ नहीं होगा, हमारी एक लेडी ऑफिसर इनकी हिफाजत करेगी। ठीक है। हेलो श्रेया। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं और ऋषि से प्यार? कभी नहीं। तो फिर दिनेश की सेक्रेटरी जूली ने ये क्यों कहा कि आप और ऋषि एक दूसरे से प्यार करते हैं? मुझे नहीं पता। ठीक है साक्षी जी, बिना आग के धुआं तो उठता नहीं है। अच्छा ये बताइए कि दिनेश आपको डिवोर्स क्यों देना चाहते थे? सर, हर पति पत्नी के बीच में तकरार होती है, और वैसे ही हमारे घर में भी होती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम दोनों एक दूसरे को डिवोर्स देने लगे। आपको मालूम था दिनेश और जूली का आपस में अफेयर चल रहा है? जी सर, मुझे पता था, पर मुझे यकीन था कि दिनेश को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा और वो एक ना एक दिन मेरे पास लौट आएगा। लेकिन आपके दिनेश के और जूली के इस ट्रायंगल के बीच में ये ऋषि कहाँ से आ गया? सब ऋषि मुझसे प्यार करता था, मैं उससे प्यार नहीं करती थी, और उसने मुझे कई बार उकसाया कि मैं अपने पति को छोड़ दूं। मैं अपने पति को धोखा दूं, ऐसा घिनौना ख्याल मेरे दिमाग में कभी आ ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या है साक्षी जी? देखिए सर, इसके बारे में क्या कहना चाहती हैं आप? ये तो बस ऐसे ही। बस ऐसे ही? वाह क्या बात है, तो फिर चलें। कहाँ? ऋषि के घर। और कहाँ? आपके आशिक से मिलने। Thank you.
गन के बारे में पता चल गया है जो होमिका के कार में लगाई गई थी। वो गन सिद्धांत हरीश के नाम पर रजिस्टर्ड है सर। सिद्धांत हरीश? हाँ सर, सिद्धांत हरीश, होमिका के मंगेतर का पिता। ओहो, इसका मतलब है होमिका की जान कोई बाहर वाला नहीं, खुद उसका मंगेतर लेना चाहता है। उसी ने गाड़ी में वो गन फिट करवाई थी। शिया को होशियार कर देते हैं। दया सर। हाँ सर। हेलो श्रेया, मेरी बात ध्यान से सुनो। लाइट चली गई सर, यहाँ पे लाइट चली गई। लाइट चली गई? देखो श्रेया, तुम होशियार रहना। और हेलो हेलो श्रेया, ओह नो, श्रेया और होमिका दोनों की जान खतरे में। लेट्स गो। साक्षी तुम यहां क्या कर रही हो? साक्षी यहां क्या कर रही हो? सीआईडी वालों ने देख लिया तो फिर बैंड बाजा बजवा के आप दोनों को ससुराल ले जाएंगे। सीआईडी? इसका मतलब तुमने सीआईडी वालों को सब कुछ बता दिया? इतना बड़ा धोखा किया तुमने मेरे साथ। नहीं यार, मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, इन्हें अपने आप से ही सब कुछ पता चल गया। अरे कहाँ? ए, रख। क्या हुआ ऑफिसर, आप लोग इस तरह इतनी रात को मेरे घर में? रात क्या और दिन क्या, क्या घर क्या ऑफिस। खूनी को पकड़ने के लिए सीआईडी को कहीं भी और कभी भी जाना पड़ता है। खूनी? कौन खूनी? जाने तो मुझे, वरना मैं ऐसे मार दूंगा। नहीं आज तू पागल हो गया, अपने ही भाई को मारेगा? माफ करा रिया, पर तुमसे ज्यादा मुझे अपनी जान चाहिए। नहीं, ओ ठीक है ऋषि, देखो छोटा भाई कह रहा है तो जाने दो उसको, हैं? जाने दो, हैं? ठीक है यार, तुम जाओ। विनीत जाने दो इन्हें। ओके भाई पे चाकू चलाएगा है? मैं और साक्षी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर हमारे प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन था साक्षी का पति दिनेश और भैया। और इसलिए तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया, प्रमोद को सुपारी दी दिनेश को मारने की, और ऐसा जाल बिछाया कि सारे सबूत इशारा करें तुम्हारे भाई ऋषि की तरफ। एक ही झटके में दिनेश और ऋषि हमारे रास्ते से हट जाते और उनकी कंपनी, उनकी सारी दौलत हमारी हो जाती। लेकिन सीआईडी ने तुम दोनों के इरादों पर पानी फेर दिया। तुझे अगर मेरी दौलत ही चाहिए थी तो एक बार कह तो देता, तुझे पैसे तो क्या अपनी जान दे देता मैं। ये सब बोलने की बातें भैया, और अगर इतना ही प्यार करते हो मुझसे तो चले जाओ मेरी जगह जेल, चढ़ जाओ फांसी पर। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तुम अपने भाई के प्यार के काबिल नहीं हो। खून तुम दोनों ने किया है तो फांसी भी तुम दोनों को ही होगी। श्रेया, ओह नो, श्रेया, श्रेया, बेहोश है, पानी ले लो पंकज, होश मिलाओ इसे। Ha 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 ha
तू रो ले या हंस ले, मरना तो तुझे पड़ेगा ही, मरना तो तुझे पड़ेगा। अरे छोड़ दो मुझे। राजू तो तूने गाड़ी के एसी में वो गन फिट की। सर बचा लीजिए मुझे प्लीज सर, ये मुझे मार देगा। चुप! तुमने पैसे दिए थे ना इसे एसी में गन फिट करने के लिए? मैंने कोई पैसे नहीं दिए थे सर, मैं भला क्यों पैसे दूंगा? मैंने पैसे दिए थे। होमिका तुम? हमें तो लगा था कि तुम्हारी जान को खतरा है। गलत लगा था, पर अब अगर तुम लोग चाहते हो कि इस कार्टून ऑफिसर की जान बची रहे तो राजू को छोड़ दो। पागलपन छोड़, सामने से रख। हटो सामने से, हिमांशु का मरना बहुत जरूरी है। हटो मैंने कहा। गन नीचे रखो नहीं तो भेजा उड़ा दूंगी। कार्टून ऑफिसर, तुम्हें क्या लगा था मुझे बेहोश करके सीआईडी को चकमा दे दोगे? चुके घर से उसकी गन चुराई थी और राजू से कहा था कि उसे मेरे कार के एसी में फिट कर दे। हिमांशु को मारने का इससे अच्छा तरीका नहीं था मेरे पास। और तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? मैं तो तुमसे कितना प्यार करता हूँ। दम घुटता है मेरा तुम्हारे इस प्यार के दिखावे से। ना सांस लेने की आजादी, ना किसी से बात करने की इजाजत। अरे अगर मैं रिश्ता तोड़ने की बात भी करती थी तो मारता था ये मुझे। कहता था कि मेरे माँ बाप को मार डालेगा। आप ही बताइए सर मैं क्या करती। ये सच कह रही है? सर वो औरतों पे हाथ उठाएगा तू? जो औरतों की इज्जत नहीं करेगा उसका सिर्फ एक ही इलाज होगा। मैं होमिका को खोने से डरता था सर, इसीलिए ज्यादा बंदिशें लगा दी थी। अरे ऐसे आदमी का तो मर जाना ही अच्छा है, इसीलिए मैंने सोचा कि इसे ही भेजूंगी सर्विस सेंटर अपनी कार लेने के लिए। फिर ये कार का एसी ऑन करेगा और मारा जाएगा, किसी को शक भी नहीं होगा। और वो गाड़ी प्रमोद ने चुरा ली, बेमौत मारा गया। तुम जिसे मारना चाहती थी भले ही वो जिंदा है, मगर जाने अनजाने में एक खूनी का खून किया है तुमने। तुम्हारा इंसाफ अदालत करेगी।